नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कुकिंग BHS में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़े, जो एक नए तरीके से हम बनाएंगे। आइए चलिए दिखाते हैं किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या सामान हमें उसके लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ब्रेड ले लेना है, आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल हो उसी ब्रेड से ही काम चलाएंगे। उसके बाद हमें बैटर तैयार करना है, उसके लिए हमने लिए बेसन, साथ में लिया है थोड़े से हरे धनिया, एक बड़ा साइज का प्याज, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक इंच लंबा ये अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम पहले बारीक काट लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सभी सब्जियों को हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। प्याज के लिए हमने इसे क्यूब्स निकाल लिए, टमाटर के भी क्यूब्स निकाल लिए और ये शिमला मिर्च के भी हमने इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अभी हम सबको मिक्स करके एक बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े से बर्तन में हमने बेसन को डाल लेना है, इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार बेसन डाल लीजिए। हमने यहाँ पे 1.5 कप बेसन यूज़ किया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक हम काला नमक यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। साथ में हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये जो है बेसन को अच्छा सा शेप देने के लिए है। हमने डाला 1/4 चम्मच, एक चुटकी डालेंगे हम फूड कलर, अच्छे से कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर आ गए, शिमला मिर्च, हरा धनिया, ये है अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हम उसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। मिक्सचर तैयार हो गया है, आप देखिए फूड कलर से एक बढ़िया सा कलर भी आया है। इसको हम ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, ये हमारा रेडी है। अब चलिए आप लोगों को सीधा चूल्हे पे ले चलते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड को ऐसे डीप करके ब्रेड के दोनों तरफ हम अपना मसाला लगा लेंगे और हम इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत बढ़िया कलर भी आया है। चाहे तो इसे साबुत भी तल सकते हैं और चाहे तो काट के भी तल सकते हैं। हमने 2 पीस साबुत निकाले हैं, बाकी के जो भी हैं सारे काट के निकाले हैं। कटे हुए पीस अच्छे से तल रहे हैं, आप चाहे तो साबुत भी तल सकते हैं और कटे हुए भी तल सकते हैं। दोस्तों हमारे ब्रेड के पकोड़े रेडी हैं, अब देखिए कितना अच्छा कलर आया इस पर। और अब हम इसको थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, आप चाय या फिर कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक पीस को टेस्ट करके देखते हैं कैसा स्वाद आया इसका। दोस्तों टेस्ट बहुत अच्छा है, ब्रेड है बहुत ही इजी है बनाना, आप कभी भी बना सकते हैं, ठंड के टाइम में तो और भी अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलिए दोस्तों धन्यवाद।